तो एक तरफ बंगाल में बिहारी छात्रों की पिटाई पर सियासी संग्राम छिड़ा है, तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में दुकान को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। मुजफ्फरनगर के कटरा सर्राफा बाजार में दुकान को लेकर जमकर बवाल हुआ। दो समुदाय के लोगों में जमकर लात घूंसे और बेल्ट चले। मामला दुकान पर कब्जे को लेकर है। अभी दुकान पर जैन बंधुओं का कब्जा है, लेकिन मुस्लिम समाज इस दुकान पर अपना दावा बता रहा है। मुस्लिम समाज का दावा है कि वक्फ की संपत्ति है, जबकि जैन बंधुओं का कहना है कि उन्होंने ये दुकान करीब 40 साल पहले खरीदी थी। इसे लेकर कोर्ट में भी केस चल रहा है। कोर्ट के आदेश पर जांच के लिए कोर्ट कमीशन की टीम वहां पहुंची थी, जिसके बाद जैन दुकानदार और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में कोर्ट कमिश्नर के सामने पहले कहासुनी हुई, फिर मारपीट हुई, लात घूंसे चले और बेल्ट से भी एक दूसरे पर हमला किया गया। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि उनकी दुकान की छत और दुकान के पीछे की जगह पर राशिद, साजिद और हामिद कब्जा करना चाहते हैं। इसे लेकर पहले भी झगड़ा हो चुका है। मेरी सुनार की दुकान है, सराफे की, ठीक है। उसके पीछे की जगह भी हमारी है, पीछे की छत भी हमारी है। हमने कोर्ट में कागज दिखा दिए थे, तो आज कोर्ट का आदमी स्टोर लेकर आया था राशि तू बराबर में से दुकान वालों को से दिखाने के लिए, तो इसने स्टोर ले लिए और मार पिटाई शुरू कर दी। हमें धमकी दी, खुद गाली दी। सामने वाले का लड़का आया दुकानदार का, उससे मार पिटाई करी, उसे धमकी दी, बस सबको मारने तैयार हो गया। हमने रोका था बेल्ट तुम्हारा भाई के, जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा छत पर दुकान पर जबरदस्ती। अब देखिए, दुकान मुस्लिम बाहुल्य इलाके में है, दुकान पर कब्जा जैन समुदाय की व्यक्ति का है और अब इस पर मुस्लिम समाज के लोग वक्फ की संपत्ति बताकर अपना दावा कर रहे हैं। मामला कोर्ट में है, लेकिन मारपीट के बाद हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हो गए और थाने का घेराव किया। हिंदुवादी संगठनों के लोग थाने के सामने धरने पर बैठ गए और मारपीट करने वालों पर एक्शन की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली नगर पर यह सूचना प्राप्त हुई, कटरा मोचियान सराफा बाजार में दो पक्षों के बीच में हाथापाई हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, तस्दीक करने पर पता चला कि उस जगह पर कोर्ट के द्वारा किसी जमीनी विवाद को लेकर नापतोल चल रहा था, जिसको लेकर पहले तो दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ, उसके बाद यह विवाद जो है आपसी हाथापाई में जो है तब्दील हो गया। पुलिस ने तुरंत मौके पर शांति व्यवस्था को कायम किया, इसमें जो घायल हैं उनको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है एवं उचित तहरीर प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।